Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. गुना में बीजेपी ने केपी यादव का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया है, जिसके बाद से ही लगातार आवाज उठने लगी कि आखिर केपी यादव का टिकट क्यों काटा गया। वहीं जब इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ संकेत दे दिए कि अब केपी यादव को कोई बड़ा पद मिल सकता है। केपी यादव भारतीय जनता पार्टी का हमारा वरिष्ठ नेता है और अच्छे से काम कर रहे हैं, चिंता मत करिए, बहुत बेहतर से बेहतर वो काम करेंगे। वहीं वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस का धीरे धीरे सूपड़ा साफ हो रहा है, कांग्रेस के ज्यादातर कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हालात ये बन गए कांग्रेस के प्रत्याशी ढूंढ रहे हो, मिल नहीं रहे, मेरी लोकसभा में तो छोड़ के भाग गए हो, खजुराहो के अंदर की हम नहीं लड़ पाएंगे। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि आज देश के अंदर बड़े संख्या में ज्वाइनिंग हो रही है और ज्वाइनिंग करने वाले बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस में कभी काम करते थे, उन्हें लगता है कि अब देश मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। तो हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे लोग आ रहे हैं, विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, खिलाड़ी, आर्टिस्ट, अभी बड़ी संख्या में डॉक्टर आए, राजगढ़ के भी कुछ डॉक्टर थे ज्वाइनिंग करने के लिए। तो समाज के अलग अलग सेगमेंट के लोग भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में जनता को विश्वास है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की यात्राएं आगे बढ़ रही है। इस क्षेत्र में जब वो आए थे, पहली यात्रा थी, तो 22 विधानसभाओं में गए थे, 22 में सूपड़ा साफ हो गया। और अभी आए थे तो मैं तो सुन रहा था कहीं 100 लोग थे, कहीं 50 लोग थे, ये हाल थे इनके। तो यार ये काय की यात्रा और काय की न्याय यात्रा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। एमपी में 4 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव से पहले कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। एमपी में बीजेपी 29 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। फिलहाल कांग्रेस ने गुना में अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। राजगढ़ से पंकज शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।